गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने पिछले अवधि में मौसी के बारे में क्या है जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आज हम अगले लेसन पार्ट की ओर बढ़ेंगे। वह है सिक्स्थ लेसन चेरापुंजी से आया हूँ, यानी इस पार्ट में हम लेखक क्या है चेरापुंजी गए थे और वहाँ किस तरह उन्हें अनुभव प्राप्त हुए वो हमें इस पार्ट से हमें वो जानकारी दे रहे हैं। तो पार्ट की ओर बढ़ने से पहले हम क्या है लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। इस पार्ट के लेखक कौन है? प्रदीप पंत। उनका जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। प्रदीप पंत का जन्म कहाँ कब हुआ? 24 अप्रैल को 1941 में। स्थल कहाँ? लखनऊ के लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित है। पंत जी की कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन न्याय मत्तु इतर कथेगरु शीर्षक से प्रकाशित है। पंत जी ने कन्नड़ में भी क्या है कहानियों का संकलन किया है, तो उसका नाम क्या है न्याय मत्तु इतर कथेगरु। यह उनका क्या है कन्नड़ में अनुदान किया हुआ संकलन है। पंत जी देश विदेश के यात्रा संस्मरण के 4 संकलन है। पंत जी देश विदेश की उन्होंने यात्रा की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त है। साहित्यकार सम्मान उत्कृष्ट व्यंग लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंगश्री सम्मान भी प्राप्त हुए है। यह है प्रदीप पंत जी का परिचय। तो बच्चों इस पाठ का आशय क्या है? यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हमने यात्रा यानी हर बरस स्कूल में भी क्या है ट्रिप रहता है। ट्रिप क्यों ले जाते हैं? शैक्षणिक यात्रा, आपको ट्रिप वन डे क्यों रहता है या 2-3 दिन टूर ले जाते हैं? तो क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहाँ का आपको क्या है ज्ञान मिले, वहाँ के वेशभूषा, लोगों का रहन सहन आदि के बारे में आपको पता चले। इसीलिए क्या है आपको हर बरस स्कूल में ट्रिप ले जाते हैं।
यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है, लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का भी हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापुंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहाँ है यानी चेरापुंजी से आया हूँ। लेखक प्रदीप पंत चेरापुंजी गए थे और वो वापस लौटते समय उनको कौन कौन से अनुभव हुए, यह हम इस पाठ से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों पाठ की ओर बढ़ेंगे। देखिए, मेघालय यानि बादलों का घर। मेघालय, मेघालय, मेघालय यानि बादलों का, बादलों का घर। मेघ यानि बादल, आलय यानि घर। मेघ प्लस आलय, मेघालय, मेघालय यानि बादलों का घर। और मेघालय की राजधानी शिलांग, एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। यानी मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग। वहाँ हर वक्त, वह एक पर्वतीय प्रदेश है, तो वहाँ क्या है, बादल हमें क्या है दिखाई देते हैं। जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते दिखाई देते हैं, हम अगर रास्ते में जा रहे हैं तो बाजू जो दरी रहती है तो वहां क्या है, हमें बादल दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि हम वहां क्या है, बादल में हम जाएंगे, जाने के लिए मन करता है। बच्चों आप ऊटी गए थे, अगर आप ऊटी नहीं गए तो जरूर जाइए बच्चों। ऊटी जब जाते हो तो वहां का रास्ता भी बहुत ही अच्छा है, वहां का दृश्य बहुत ही अच्छा है, प्राकृतिक दृश्य जो है देखने को मन को बहुत खुशी आनंद लगता है। जैसे हम रोड जाते हैं, वहां के रोड के है टेढ़े मेढ़े है, यानी घाट सेक्शन है, तो घाट सेक्शन वहां जाते हो तो वहां क्या है, बाजू दरी रहती है लेकिन वहां सब बादल छाए हुए रहते हैं। जैसे को अब कैसे लगता है कि हम वहां बादल में जाएंगे, जाने के लिए मन करता है। अगर हम गए तो सीधे हम क्या है, दरी में गिर पड़ेंगे। वैसे ही यह मेघालय के राजधानी शिलांग, वह भी क्या है, वैसे ही है, यानी सब पर्वतीय नगर है, हरा भरा, सभी जगह हरा भरा, हरियाली दिखाई देती है और बादल भी क्या है, नीचे ही हमें दिखाई देते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। वह नगर बहुत बड़ा है और स्वच्छ और देखने में बहुत ही सुंदर है। ऐसा हरी की माँ भी शायद भी कहीं नहीं देखने को मिले। हरी की माँ यानी हरियाली, हरी की माँ यानी हरियाली, हरियाली यानी सब जगह क्या है, हरियाली ही, घास आपको दिखाई देते हैं, हरियाली नजर आते हैं। शिलांग से चेरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है।
शिलांग से अगर हमें चेरापूंजी की ओर बढ़ना है तो रास्ता क्या है? दोनों ओर पहाड़ और दरख्त है। जो रास्ता जाता है एक तरफ यह अगर रास्ता है तो क्या है, इस तरफ पहाड़ है, पहाड़ तो यहाँ क्या है, दरी है, दरी। एक तरफ पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत है, तो दूसरी तरफ क्या है, दरी है, दरख्त यानी पेड़ों से भरा हुआ दरी। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता है। वहां का रास्ता कैसा है? ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता, सर्पाकार यानी टेढ़ा मेढ़ा। घाट रास्ते को पार करते हुए दिखाई देते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदा बांदी। वहां चेरापूंजी की ओर बढ़ते समय क्या है, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरे तरफ दरी है। वो भी दरी कैसे है, बड़े बड़े पेड़ वहां है उस दरी में, और सुंदर हवा बहती है, सभी जगह बादल छाए हुए रहते हैं और कभी कभी तो वर्षा भी क्या है, आती रहती है, बूंदा बांदी यानी वर्षा, बारिश। हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। हमारी जीप यानी प्रदीप पंथ जी हमें क्या है, सुन कह रहे हैं, वो चेरापूंजी जा रहे हैं, तभी का यह अनुभव हमें बता रहे हैं। जब वो शिलांग की ओर 53 किलोमीटर दूरी पर चेरापूंजी है, मेरे साथ राज्य के अधिकारी श्री संगमा और उनके दो दोस्त बैठे हैं। प्रदीप पंत जी के जीप में कौन कौन है? शिलांग के अधिकारी जो है श्री संगमा और उनके दो दोस्त उनके साथ बैठे हुए हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, लेखक जीप की खिड़की बंद करते हुए क्या पूछते हैं? देखो, किसे? उस राज्य के जो अधिकारी है संगमा, उन्हें पूछते हैं, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? इडी वर्षा ही मड़े आगता है तरा अंता वो खेल तरा। जी हाँ, संगमा कहते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। लेखक पूछते हैं क्या कि यहाँ साल भर वर्षा होती है, तो संगमा क्या कहते हैं, जी हाँ यहाँ साल भर वर्षा होती ही रहती है, यहाँ खपत से ज्यादा पन बिजली का, पन बिजली यानी पानी से उत्पन्न किया हुआ विद्युत, बिजली पानी से बिजली का उत्पादन ज्यादा होता है। खपत यानी वहां क्या है, बिक्री कम होती है यानी वो चीजों की लेन देन कम होती है, तो वहां क्या है, ज्यादा पन बिजली का, विद्युत का उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां साल भर क्या है, बारिश ही होती है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। हमारे राज्य को जितना विद्युत चाहिए उतना हमें जितना विद्युत वहां उत्पादन होता है उससे ज्यादा का विद्युत जो है वो हम अन्य राज्य को दे देते हैं, से संगमा कहते हैं।
मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ, संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। संगमा क्या कहते हैं, अगर सभी गांव हमारा बिजली से जगमगा उठे। बिजली से हम गांव कब जगमगाते हैं बच्चों, जब दीपावली रहती है। दिवाली के समय हम पूरे नगर में शहर में क्या करते हैं, बिजली का जगमगाते हैं, यानी दीप जलाते हैं और लाइटिंग सब लग घर में छोड़ते हैं। तो सारा गांव नगर शहर बिजली से जगमगा उठता है। लेकिन यहाँ चेरापूंजी में शिलांग में क्या है, सारा गांव बिजली से जगमगा उठने पर भी बिजली क्या है, बच जाती है उनकी। और जो बची हुई ज्यादा बिजली जो है, विद्युत जो है, वो क्या करते हैं, वो अन्य राज्यों को दे देते हैं। पूरा शहर बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहता है। जितना चाहिए बिजली उससे भी ज्यादा उत्पादन वहां होता है। उसकी वजह क्या है बच्चों, वहां साल भर क्या है, वर्षा होती रहती है, इसीलिए वहां क्या है, पन बिजली का उत्पादन ज्यादा होता है। खपत से ज्यादा यानी माल की बिक्री से ज्यादा क्या है, पन बिजली जल से विद्युत तैयार करते हैं। हम पहाड़ को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है। जब पहाड़ों के तरफ से वो पहाड़ देखते देखते वो आगे बढ़ रहे थे तो सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई थी। कोहरे से यानी वहां सब जगह फॉग दिखाई दे रहा था, धुंधला दिखाई दे रहा था। तीन पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ मेघालय तीन पहाड़ों से पर्वतों में क्या है, बटा हुआ है। वो कौन कौन से तीन पर्वत, खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। इन तीन पर्वतों से मेघालय बटा हुआ है और इन्हीं तीन पर्वतीय अंचलों से बने हैं पांच जिले। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है। हर अंचल की, अंचल यानी प्रांत, हर एक प्रांत, वो प्रांत मेघालय तीन पर्वतों में बटा हुआ है और तीन पर्वतों क्या है, पांच प्रांत बने हुए हैं। तो वहां हर एक प्रांत की अलग अलग संस्कृति है, रीति रिवाज है, पर्व है यानी त्योहार, अलग अलग उत्सव वो मनाते हैं। लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। वहां हर कहीं उत्सव क्या है, रीति रिवाज, संस्कृति वहां अलग अलग है, पांच जिले में, प्रांत में। लेकिन वहां की पारिवारिक व्यवस्था, परिवार का व्यवस्था है मातृसत्तात्मक, यानी महिलाओं की, मातृ यानी माँ ही देखती है। भूमि, धन, संपत्ति सब कुछ माँ का रहता है और वो माँ से बेटी को मिलता है।
यह है मातृसत्तात्मक व्यवस्था। पारिवारिक व्यवस्था में जो कुछ माँ का रहता है, संपत्ति, जो कुछ धन रहता है, वो सब माँ का रहता है और वही वो सब कुछ संपत्ति बेटी को जाती है। ओके बच्चों, आज इतना जो देखा है, अगले अवधि में फिर हम अगले बचा हुआ लेसन जो है उसकी ओर बढ़ेंगे। बच्चों धन्यवाद।